हेलो माय शिमरिंग स्टार, आई एम अनामिका दैया, वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ ट्यूटर्स थ्योरी। आवर टुडेज टॉपिक इज फ्रॉम डीएलएड फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एजुकेशन एंड दिस वन इज द चैप्टर ऑफ फोर्थ चैप्टर यूनिट ऑफ यूनिट 3, मेथड्स एंड स्ट्रेटेजीज ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, गणित पढ़ाने की विधियाँ और रणनीतियाँ। मतलब यहाँ पे हम सीखेंगे कि गणित को ऐसे कौन कौन से डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड है जिनसे क्लासरूम में टीच किया जा सकता है टू मेक योर टीचिंग वेरी इफेक्टिव एंड टू मेक द लर्निंग फॉर द स्टूडेंट्स वेरी इफेक्टिव, जिससे बच्चों को सारी चीज़ें समझ आए। और हमें पता है कि हर एक टॉपिक एक टाइप के मेथड से नहीं पढ़ाया जा सकता, तो ऐसे कौन कौन सी अलग अलग अप्रोचेज हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं अपनी मैथ्स की टीचिंग को और ईजी बनाने के लिए, क्योंकि बच्चों को लगता है मैथ्स बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। तो हम कौन कौन से मेथड्स करेंगे आज, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस मेथड, सिंथेसिस, प्रोजेक्ट एंड अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी विच वी कैन यूज इन मैथ्स। सबसे पहले है कि अगर मैं एक मैथ्स टीचर की बात करूँ तो मैथ्स टीचर को बच्चे को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस या बच्चे को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देने के लिए, क्योंकि हम सबको पता है मैथ्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो प्रैक्टिकल एबिलिटी बच्चों में डेवलप कराने के लिए हमें डिफरेंट काइंड ऑफ वेज ढूंढने पड़ेंगे कि जिससे आपकी टीचिंग बहुत अच्छे से करी जा सके। थ्योरेटिकल से अलग प्रैक्टिकल है, तो इसके लिए हमारे पास डिवाइसेज और मेथड्स भी अलग अलग होने चाहिए, जिसमें से हमारा फर्स्ट मेथड है इंडक्टिव मेथड। देखो, इंडक्टिव मेथड में क्या है कि आपको ट्रुथ को खुद से ढूंढना है, यू हैव टू डिस्कवर द ट्रुथ इटसेल्फ, एंड इट इज अ काइंड ऑफ रिसर्च मेथड जिसमें आप जा रहे हो और खुद से ढूंढ रहे हो, आप ही डाटा कलेक्ट कर रहे हो, आप ही जर्नलाइजेशन बना रहे हो और आप एक यूनिवर्सल ट्रुथ सबको दे रहे हो। इस मेथड में डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिल जाता है बच्चों को, एंड दिस मेथड प्रोसीड फ्रॉम गिवन टू प्रूफ। यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ डाटा मिला हुआ है और आप प्रूफ तक उस डाटा को लेके जा रहे हो। एग्जाम्पल टू रूल, आपको नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स परफॉर्म करने हैं, देन यू विल गोइंग टू मेक अ रूल। देन है स्पेसिफिक टू जर्नल, हमारे पास स्पेसिफिक चीजें हैं, ये है जैसे ये पेन है ब्लैक कलर का है, दूसरा पेन ब्लैक कलर का है, तो हम एक जर्नल चीजों तक लास्ट में जाएंगे। एंड देन एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, हमारी पहले इमेजिनेशन है या फिर हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास एक व्यू पॉइंट या आइडिया है, अब हम उसे ग्राउंड लेवल पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। दिस मेथड प्रोसीड फ्रॉम गिवन टू प्रूफ, आपके पास जो गिवन होगा उससे आप प्रूफ की तरफ जाओगे। एग्जाम्पल टू रूल जाएंगे, स्पेसिफिक टू जर्नल जाएंगे एंड एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट जाएंगे। ये जरूर ध्यान रखना, क्योंकि हमारे जो MCQs आते हैं या वो टेट का पार्ट हो या आपके DLED फर्स्ट ईयर की बात करूं, तो हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ MCQs होते हैं। उन MCQs में बहुत बार आपको कंफ्यूज करने के लिए डिडक्टिव और इंडक्टिव का पूछ लिया जाता है कि डिडक्टिव मेथड इज, ये ऑप्शंस दे दिए जाएंगे आपको, थोड़ा इधर उधर कर लिया जाएगा या ऑल ऑफ अबव, नन ऑफ दीज, ऐसे करके आपसे पूछ लिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि हमें इंडक्टिव मेथड है उसके अंदर हमें गिवन टू प्रूफ जाना है, एग्जाम्पल टू रूल पहुंचना है, स्पेसिफिक टू जर्नल पहुंचना है एंड एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट का ध्यान रखना है। इसके बाद हम उन चैप्टर्स को इसमें पढ़ा सकते हैं जिसमें आप रूल्स या प्रिंसिपल को डिस्कवर कर रहे हो, डेफिनेशन या जनरलाइजेशन तक एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हो। एंड मैंने कहा कि आपका ये एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट जाएगा, अमूर्त चीजों से मूर्त चीजों की तरफ जाएंगे, तो हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग तो कुछ भी बना सकते हैं, पर कॉन्क्रीट चीजें ऐसी होती हैं जिसे आप डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हो। सो इंडक्टिव रीजनिंग इज अ डे लाइफ रीजनिंग ऑल्सो, ठीक है। तो इंडक्टिव में आपको क्या पता चला, आपके पास एक एग्जांपल होंगे, तो दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ इंडक्टिव मेथड्स इन मैथमेटिक्स। क्या है, देखो, एक बच्चे ने दो स्ट्रेट लाइन खींची हैं बच्चे ने, और उसने ना नंबर ऑफ सेट ऑफ लाइंस बनाई हैं, और उसने ये सोचा कि अगर मैं, उसने इस लाइंस को देखा तो इसने ये सोचा है कि अगर मैं इसमें कितना भी इसे एक्सटेंड कर लूं ये कभी भी मीटअप नहीं होंगी, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगा। तो इसको जनरलाइजेशन तक पहुंचाने के लिए बच्चे ने नंबर ऑफ लाइंस खींची हैं, लगाता गया, और एट लास्ट उसे ये पता चला है कि हाँ, अगर मैं नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस को एक साथ ड्रॉ भी करता रहूं तो डिस्टेंस सेम रहेगा, चाहे वो डिस्टेंस कम ज्यादा करके भी उसने देख लिया है, लेंथ बढ़ा घटा के देख लिया, बट दे लाइंस नेवर मीट विद ईच अदर। तो ये हमारा जनरलाइज फैक्ट बन जाएगा लास्ट में कि पैरेलल लाइंस आर नॉट गोइंग टू मीट ईच अदर एट इनफाइनाइट पॉइंट ऑल्सो, ठीक है। अब है ये दूसरा एग्जांपल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे पढ़ लेना या आप अभी पढ़ लीजिए। देन है स्टेप्स ऑफ इंडक्टिव मेथड, फर्स्ट स्टेप है प्रेजेंटेशन ऑफ स्पेसिफिक एग्जांपल। प्रेजेंटेशन ऑफ स्पेसिफिक एग्जांपल है, इसका एक मैं और अच्छा एग्जांपल देती हूँ कि एक बच्चे ने ग्रीन कलर का एप्पल देखा है और उसका टेस्ट उसे खट्टा लगा है, तो बच्चे ने एक वो एप्पल खाया और उसने अपनी जनरलाइजेशन नहीं, उसे समझ आया कि वो खट्टा होता है। देन उसने दूसरा एप्पल टेस्ट किया, ऐसे ही ग्रीन कलर के उसने 10 एप्पल टेस्ट किए और लास्ट में क्या बता दिया कि ऑल ग्रीन एप्पल्स आर सोर इन टेस्ट।
ऐसे ही हमें प्रेजेंटेशन करनी है स्पेसिफिक एग्जांपल की, देन उसे बार बार अवलोकन करना है। जैसे बच्चा बार बार क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि वो सोरेन टेस्ट है, देन जर्नलाइजेशन, एक जर्नलाइजेशन बना लोगे अपनी कि ऑल ग्रीन एप्पल आर सोरेन टेस्ट, देन आता है टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन, उसको आप एक ग्रीन एप्पल और लेके टेस्ट भी कर सकते हो। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्टिव मेथड, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सबसे पहले तो स्टेबल नॉलेज देता है आपको, देन परमानेंट नॉलेज देता है, और नॉलेज को ऑब्जर्वेशन से और टेस्टिंग से आपको अचीव किया जा सकता है। ये एक टाइप की रीजनिंग है जिसमें पूरा का पूरा मेथड हमारी रीजनिंग पे बेस रहता है कि हमने ये चीजें कैसे की हैं। बेसिक फैक्ट्स का और फॉर्मुलेशन का बच्चा कर सकता है, और लॉजिकल पावर भी बच्चा अपने खुद की लगाता है। एंड दिस मेथड इज ऑल्सो वेरी यूजफुल फॉर द लोअर क्लासेस, क्योंकि छोटे बच्चों को कार्य करने की क्यूरियसिटी रहती है और इंटरेस्ट भी होता है, तो उन छोटे बच्चों के लिए मेथड बहुत आसान है, बहुत अच्छा है। एंड क्रैमिंग से बचा जा सकता है और सेल्फ रिलायंट बनाया जा सकता है, बच्चे को सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाया जा सकता है। एंड इट विल डिपेंड ऑन द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड कि हमें जो एब्स्ट्रैक्ट चीजें हमने यहाँ पे क्रिएट की हैं, अब उसे हम अपने हाथों से करके परफॉर्म करके देख रहे हैं। और लिमिटेशन की बात करूँ तो बहुत स्लो प्रोसेस है जो गेनिंग ऑफ नॉलेज होगी, इट विल टेक द मच मोर लेबर एंड टाइम, टीचर एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। एंड ये मेथड कुछ हद तक ठीक नहीं हो सकता, जैसे मैंने ग्रीन एप्पल का एग्जांपल दिया, तो मार्केट में ऐसे एप्पल भी हैं जो ग्रीन कलर के हैं बट दे आर स्वीट इन टेस्ट, तो यही है। इसके बाद क्या है, और जो इसके लिए काम करने के लिए बच्चे का जो दिमाग है वो काफी शार्प होना चाहिए, और बच्चे को जो फोकस है ना वो भी अपने काम पे ही होना चाहिए। एंड वी आर नॉट एबल टू कवर द मच मोर सिलेबस फ्रॉम दिस मेथड, क्योंकि हम सारी टॉपिक आप इस मेथड से नहीं करा सकते हो। देन आता है हमारा डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड इज जस्ट द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड में जैसा जैसा किया है बिल्कुल उसका उल्टा उल्टा करना है। यहाँ पे वहां पे हम क्या कर रहे थे, एग्जाम्पल कर रहे थे, देन रूल तक पहुंच रहे थे। यहाँ पे आपके पास गिवन रूल होगा और एग्जाम्पल आप परफॉर्म कर रहे होंगे। सो डिडक्टिव मेथड इज जस्ट अपोजिट एंड द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इंडक्टिव मेथड। इन दिस वी हैव गिवन द लॉज, द प्रिंसिपल, द फॉर्मूला, एंड वी हैव टू अप्लाई देम ऑन एग्जाम्पल्स। इसके बाद है उल्टा करो, रूल्स टू एग्जाम्पल चला जाएगा, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट चला जाएगा, प्रूफ टू गिवन चला जाएगा, और जनरल टू स्पेसिफिक चला जाएगा। इसके अंदर बच्चे लॉज एंड फॉर्मूलाज को चेंज नहीं कर सकते, जस्ट उनपे परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे किसी बच्चे को बोला गया है कि हर एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल लेके उन्हें ऐड करके देख सकता है, बट इसमें बच्चे का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उसे वो चीजें याद करनी पड़ेंगी। यहाँ पे जो चीजें हैं प्री डिस्कवर्ड होती हैं, टाइम नहीं लेती हैं। मेमोरी बच्चे की बनाने के लिए, मतलब यहाँ पे बच्चा अपनी मेमोरी लेवल पे है, अंडरस्टैंडिंग पे नहीं है, एंड न्यू प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व, बहुत आसानी से नई प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की जा सकती हैं। स्टूडेंट्स का जो है लेस एफर्ट रहेगा, ये मेथड की वाइड रेंज है, बड़ी क्लासेस में भी आप ऐसे ही यूज कर सकते हैं, एंड इंडक्टिव मेथड के साथ कंबाइन करके ये अपनी इनकम्प्लीटनेस को पूरा कर सकता है कि आपने एक बार रूल बना लिया और रूल्स को आप बाद में परफॉर्म कर रहे हो। देखा जाए क्या लिमिटेशन है इसकी, तो ये परमानेंट नॉलेज नहीं देता है, छोटी क्लासेस के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, क्योंकि छोटी क्लासेस के बच्चे फिर क्रैमिंग करने लग जाते हैं, लॉजिकल रीजनिंग को नहीं डेवलप करता है, और साइंटिफिक बिहेवियर या एटीट्यूड को भी डेवलपमेंट नहीं करता। कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जा रहे हैं, पहले चीजें देख रहे हो फिर दिमाग लगा रहे हो, तो इट इज नॉट द साइकोलॉजिकल मेथड। एंड इट मेथड इज यूजफुल व्हेन यू आर कंबाइन योर डिडक्टिव नॉलेज विद द इंडक्टिव वन, एंड स्टूडेंट्स आर नॉट द एक्टिव लर्नर। यहाँ पे बच्चे एक्टिव लर्नर नहीं है। देखो डिफरेंसेस क्या है, यही है स्पेसिफिक टू जर्नल, ये जर्नल टू स्पेसिफिक है। यहाँ पे बच्चे अपने आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी परफॉर्म्ड है, बच्चों को दे दिया जाता है। एक्सपेरिमेंटेशन का वे है फॉलो अप है, यहाँ पे बस आपको रूल्स गिवन है, आपको फॉलो अप करना है। टाइम ज्यादा चाहिए, टाइम कम चाहिए, यहाँ पे पूरी क्लास एक्टिव रहती है, यहाँ पे टीचर्स एक्टिव रहते हैं, स्टूडेंट्स आर पैसिव इन नेचर। साइकोलॉजिकल मेथड है, इट इज नॉट द साइकोलॉजिकल मेथड, विच वन, डिडक्टिव वन। दिस मेथड लीड टू द न्यू मॉडर्न नॉलेज, यहाँ पे नई नॉलेज का भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे लेस अपॉर्चुनिटी है बच्चों को किसी कार्य को करने के लिए। स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द लेसन, यहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए बहुत आसान है, और बड़ी क्लास रिवीजन के लिए डिडक्टिव आसान है। देन लर्निंग प्रोसेस बहुत इफेक्टिव बनता है, यहाँ पे लेस इफेक्टिव और बोरिंग भी रह सकता है। यहाँ पे लर्निंग को ज्यादा स्ट्रेस आउट किया गया है, यहाँ पे स्ट्रेस आउट किया गया रिटेंशन को कि तुम्हें तो फॉर्मूला याद कितना है। दिस मेथड इज वेरी सुटेबल फॉर द इंडिविजुअल अटेंशन के लिए, यहाँ पे बच्चे इंडिविजुअल अटेंशन नहीं दे रहे हैं। स्टूडेंट्स जो है हैप्पी रहते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं, उनकी परमानेंट नॉलेज बढ़ती है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। इट विल लीड टू द साइंटिफिक डेवलपमेंट, साइंटिफिक टेम्पर को लीड करता है, यहाँ पे बच्चे साइंटिफिक थिंकिंग को डेवलप नहीं कर पाते हैं। इट विल डिग्रेड द हैबिट ऑफ क्रैमिंग, एंड इट विल इंक्रीज और जनरेट द हैबिट ऑफ क्रैमिंग।
this method is gained the permanent and stable knowledge, but this method, deductive method, do not give the permanent and stable knowledge to the student. Then a problem solving method. प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या होता है, जिसके अंदर पहले तो प्रॉब्लम क्या होती है, कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें जिसको परफॉर्म करने में यू आर फेसिंग द डिफिकल्टी, दैट इज नोन एज प्रॉब्लम. तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जैसे आप जो आप स्टेप्स लोगे, जैसे आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, आप रीच आउट करोगे अपने ऑब्जेक्टिव को, तो वही मेथड हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड कहलाएगा. और मैथ्स में तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड सबसे यूजफुल मेथड है, क्योंकि हम मैथ्स में पूरे दिन या हर टाइम क्या कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं. एंड इसमें जो प्रॉब्लम है उसको आपको फेस करना है एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करनी है. सो इट इज बिगिन विद द प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन. आपको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन मिल जाएगी, अब टीचर आपके सामने प्रेजेंट कर देगा, आपको कंटिन्यूअस एंड इंटीग्रेटेड एक्टिविटी करनी होगी, मतलब आपका दिमाग लगाना होगा कि मुझे उस सॉल्यूशन तक पहुंचना कैसे है. इसमें आपके दोनों मेथड यूज हो सकते हैं, इट मे बी डिडक्टिव और इट मे बी इंडक्टिव. ठीक है, तो दोनों अप्रोचेस आप इसमें यूज कर सकते हो. अब स्टेजेस क्या है, सबसे पहले आपके पास जितने भी फैक्ट्स या रिलेशनशिप गिवन है आपके प्रॉब्लम के अंदर उन्हें समझो. ऐसे ही हम मैथ्स में करते हैं ना, पहले लिख लेते हैं व्हाट इज गिवन, कि लेंथ ये है, पैरामीटर ये है, तो हमें फाइंड क्या करना है, उस पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं. फिर दूसरा है एनालिसिस द प्रॉब्लम, कि हमारे सामने समस्या क्या है उसका विश्लेषण करो, सर्च करो. पहले आप अपना आइडिया बनाओ कि अगर मुझे आंसर तक पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा, देन वी हैव टू डू द कैलकुलेशन, एंड आफ्टर दैट फाइंडिंग द सॉल्यूशन वी आर गोइंग टू वेरीफाई आवर आंसर. देन है एग्जांपल, अगर मैं बात करती हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की है, जैसे मैंने बात करी कि इफ आई एम गिविंग द पैरामीटर ऑफ एनी स्क्वायर, दैट पैरामीटर इज 16 मीटर, ओके, एंड फाइंड आउट द साइड ऑफ द स्क्वायर. सबसे पहले आपको जो गिवन है आप उसे नोटिफाई करो कि मुझे गिवन क्या है. अब मुझे देखना है समस्या क्या है मेरी, मुझे साइड निकालनी है किसी स्क्वायर की, तो मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए स्क्वायर होता कैसे है. ऐसा होता है जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं. तो हमें क्या पता है कि अगर, फिर इसके बाद आपको एनालिसिस करने के बाद कहाँ तक जाना है कि मुझे फॉर्मूला पता हो कि हाउ टू फाइंड अ पैरामीटर. तो पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 4 × साइड, या मैं लिख सकती हूँ 4 बार साइड को, मतलब साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड इज इक्वल टू 16. देन मुझे कैलकुलेशन करनी है. कैलकुलेशन का मतलब क्या है, 16 / 4 एंड आंसर विल बी 4. लेंथ ऑफ द साइड कितनी आ गई मेरी, 4 मीटर. टेक्निक्स टू इम्प्रूव द यूज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड. ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जिससे आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को और अच्छा बना सकते हो और बेटर बना सकते हैं कि बच्चे उसे करें. तो हमें प्रॉब्लम देनी है बच्चों को अकॉर्डिंग टू मेंटल एंड एज लेवल, जितनी उनकी होगी. बच्चों को सोशल प्रॉब्लम से जोड़ना है, इसीलिए उन्हें ऐसी प्रॉब्लम प्रोवाइड की जाती है. जैसे छोटे बच्चों के सामने ना टॉफी का एग्जाम्पल होता है, पेंसिल का एग्जाम्पल होता है, रोटी का एग्जाम्पल होता है, कि जो बच्चे अपने सोशल एनवायरमेंट से क्या कर सके, जुड़ सकें. प्रॉब्लम सॉल्विंग की लैंग्वेज बहुत इजी एंड क्लैरिफाई होनी चाहिए, जिससे बच्चे को चीजें समझ आ सके एंड प्रॉब्लम ज्यादा लेंदी भी ना हो, कि बच्चे अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग ना दे पाए. स्टूडेंट की अटेंशन को गेन करने के लिए आप डिफरेंट काइंड ऑफ कलर यूज कर सकते हो, इसीलिए हमें फिगर्स मिलती हैं मैथ्स की बुक में भी. एंड प्रॉब्लम के अंदर पिक्चर्स और सिंबल प्रोवाइड हो, जैसे मैं कह दूं मैंने अगर मैं बना दूं स्क्वायर तो और ज्यादा इजी हो जाएगा बच्चों को करने के लिए. देन डाटा क्लियर होना चाहिए और टीचर्स को परफेक्ट, जैसे मैं कह रही हूँ कि पैरामीटर निकालो, तो यहाँ से मैं ये नहीं कह रही कि रेक्टेंगल की साइड निकालो. तो आपको जितनी भी चीजें गिवन है वो हमारी स्पेसिफाई होनी चाहिए और आप रिलीवेंसी भी शो करोगे कि आपका आंसर जो आया है उसके पीछे क्या रीजन था, आपने कौन सी चीजें अप्लाई की है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है. एडवांटेजेस की बात करूं तो बच्चों के अंदर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यूज होता है. रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को बनाने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग यूज होता है. एंड इट इज फॉर द सुटेबल टू टीच मैथमेटिक्स, बिकॉज मैथ्स इज अ काइंड ऑफ सब्जेक्ट इन विच यू हैव टू डील द मेनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन ईच एंड एवरी चैप्टर. इसके बाद है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करते हैं, और लिमिट नहीं है बच्चों के अचीवमेंट के लिए, वो और ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करके अपनी अचीवमेंट को इन्हांस कर सकता है. मैथमेटिक्स हायर क्लासेस में भी यूजफुल है. ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है टीचर एंड द टॉट. द मेथड डेवलप द प्रैक्टिस एंड बिहेवियर, बच्चों में प्रैक्टिस करने की और उनके बिहेवियर में वो चीज़ें ऐड होने की टेंडेंसी जो है बढ़ जाएगी. एंड इट इज ऑल्सो अ साइकोलॉजिकल मेथड, बिकॉज चाइल्ड सेंटर्ड है और बच्चे ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं. लिमिटेशंस क्या है, फर्स्ट लिमिटेशन है इट विल कंज्यूम द टाइम ऑफ द स्टूडेंट. जो लोअर क्लासेस के बच्चे हैं वो अच्छा नहीं मानते हैं, एंड इट विल इंक्रीज द लोड ऑफ द टीचर एंड लोड ऑफ द स्टूडेंट ऑल्सो. मेंटल एक्टिविटी डोमिनेंट रहती है, प्रैक्टिकल कोई एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं. सुटेबल बुक्स रेफरेंस या गाइडेंस ना हो तो बच्चा अपनी प्रॉब्लम को गलत भी सॉल्व कर सकता है, और सारे के सारे टॉपिक सिर्फ इसे से नहीं यूज कर सकते. जैसे हमें थ्योरम्स करनी होती है तो हमें वो चीजें देखनी है, हमें ऑब्जर्व करनी है.
देन आता है एनालिसिस मेथड. एनालिसिस मेथड इज बोथ मेथड विच आर जस्ट लाइक द इंडक्टिव एंड डिडक्टिव. दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है एंड दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट मेथड्स भी हैं. ठीक है, एनालिटिक मेथड क्या होता है? विश्लेषण करना. विश्लेषण करना होता है चीजों को. अगर मैंने आपको इतनी बड़ी स्टिक दी, आपको नहीं समझ आ रहा है इसमें से कुछ, तो आप चीजों को तोड़ तोड़ के समझ सकते हो. तो एनालिसिस अप्रोच इज अ ब्रेकिंग ऑफ अ थिंग इनटू अ स्मॉलर पार्ट्स. यहाँ पे आपको पूरी जो थिंग थी उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लेना है टू ब्रेक द प्रॉब्लम इन द सिंपलर फॉर्म. यहाँ पे आप प्रॉब्लम को इसीलिए तोड़ रहे होते हो क्योंकि उसके हिडन जितना मैटर है वो आपको समझ आ जाए और आप उसका सॉल्यूशन भी ऑब्वियसली प्रोवाइड कर पाओ. देन इन एनालिटिक मेथड वी आर गोइंग फॉर अननोन टू नोन, क्योंकि हमारे पास एक अननोन फैक्टर गिवन है, हमें उसके पार्ट्स को समझना है कि वो क्या बताना चाह रहा है. और फ्रॉम कॉन्क्लूजन टू हाइपोथेसिस, हमें पूरी कॉन्क्लूड तो करके दे रखे हैं पर हमें जाना है हाइपोथेसिस के लिए, क्योंकि हाइपोथेसिस क्या कह रही है उसकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है. तो एनालिटिक मेथड सिंपल है ना, यहाँ पे आपको अननोन टू कहाँ जाना है, नोन जाना है, और कॉन्क्लूजन टू हाइपोथेसिस जाना है, एंड यू हैव टू ब्रेक योर प्रॉब्लम इन टू अ सिंपलर फॉर्म. देन आता है सिंथेटिक मेथड. अब आपने अपनी प्रॉब्लम तो तोड़ दी है पर उससे भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, क्योंकि हमें सॉल्यूशन तो वो प्रूफ करना था ना जो आपको गिवन था. तो सिंथेटिक मेथड क्या कहता है? इट इज अ कॉन्स्टिट्यूट इन विच यू आर गोइंग टू कंबाइन द पार्ट्स ऑफ योर प्रॉब्लम. तो आपके पास जो भी गिवन था आप उसे कंबाइन करोगे. सो उल्टा हो गया ना, तो यहाँ पे आप कैसे जाओगे? नोन टू अननोन जाएंगे और यहाँ पे हम हाइपोथेसिस टू कॉन्क्लूजन जाएंगे. ठीक है, एंड इट इज जस्ट अपोजिट टू एनालिटिक मेथड. अब कंपैरिजन की बात करते हैं. एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम क्या होगी? हमारी ब्रेकिंग ऑफ द स्टेटमेंट. एंड यहाँ पे क्या होगी? हमारे सिंथेसिस ऑफ द स्टेटमेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट. इट प्रोसीड फ्रॉम अननोन टू नोन एंड इट प्रोसीड फ्रॉम नोन टू नोन. इट अप्लाई द इंडक्टिव रीजनिंग. यहाँ पे सिंथेटिक में आपकी कौन सी रीजनिंग होगी? डिडक्टिव. इस मेथड में आप क्या करोगे? साइंटिफिक एटीट्यूड और ओरिजिनल क्रिएटिविटी बच्चों की डेवलप करेंगे. यहाँ पे आपके पास में क्रिएटिविटी नहीं है. सिंथेटिक मेथड में आप ऑब्स्टिकल्स है ना उनकी डेवलपमेंट कर रहे हो क्वालिटीज को इनहेंस करके. स्टूडेंट लर्न टू एक्वायर किस लिए करता है बच्चा? अपनी नई चीजों को डिस्कवर करने के लिए और सेल्फ रिलायंट बनने के लिए. यहाँ पे बच्चों के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है क्योंकि बच्चा चीजों को तोड़ रहा है तो अंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट हो रही है. यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिलायंस जैसा कुछ नहीं है, हमें सिर्फ कंबाइन करना है चीजों को. यहाँ पे बच्चों की मेमोरी जो है, मेमोरी कोई ऐसा रोल प्ले नहीं कर रही है. यहाँ पे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग प्ले कर रही है और वो अपनी थिंकिंग को कैसे डेवलप कर रखा है उन्होंने, कैसे चीजों को ब्रेक डाउन करते हैं वो कर रही है. यहाँ पे बच्चों की मेमोरी लीड कर रही है कि भाई हमने पहले क्या क्रैम किया था, हमने कैसे की थी, वो चीजें हैं. अन इकोनॉमिक है क्योंकि इट इज अन इकोनॉमिकली इन टर्म्स ऑफ टाइम, क्योंकि इट विल गिव यू टेक योर सो मच लेबर एंड टाइम, बट इट इज इकोनॉमिक इन द सिनेरियो ऑफ टाइम एंड लेबर. देन स्किल्स जो हैं बच्चे की, वो चाहिए कि वो उसने पहले क्या एक्वायर्ड कर रखा था अब वो कैसे समझ रहा है. यहाँ पे एफिशिएंसी चाहिए कि वो कंप्यूटेशन कैसे कर रहा है. एनालिटिक मेथड इज अ फॉर्मेशनल, सिंथेटिक मेथड इज इनफॉर्मेशनल. यहाँ पे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, सॉरी फॉर्म कर रहे हो यहाँ पे एनालिटिक मेथड में. सिंथेटिक मेथड में आप इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हो. एनालिटिक मेथड इज अ फोर रनर ऑफ द सिंथेटिक. सिंथेटिक से पहले एनालिटिक भागता है और फिर जब आप एनालिटिक कर लेते हो तो आप सिंथेसिस मेथड को परफॉर्म कर रहे होते हो. नेक्स्ट आते हैं हमारे प्रोजेक्ट मेथड. प्रोजेक्ट मेथड गिवन बाय द किलपैट्रिक. सबसे पहले तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है. एंड दिस मेथड इज डिपेंडेंट ऑन विच अप्रोच. तो प्रैग्मेटिज्म के ऊपर डिपेंड करता है. प्रैग्मेटिज्म इज डीलिंग विद द प्रैक्टिकल अप्रोच. तो ये होल हार्टेड पर्पज है जिसके अंदर बच्चे की सारी ऑलराउंड डेवलपमेंट को लीड करने के लिए हम प्रोजेक्ट्स बच्चों को देते हैं. यहाँ पे भी आपको ऐसी प्रॉब्लम, यहाँ पे भी बच्चों को एक प्रॉब्लम गिवन होती है, बट वो प्रॉब्लम कैसी होती है? मेनली सोशल प्रॉब्लम होती है और बच्चे को वो चीजें सॉल्व करनी होती है. लाइक अगर मैथ्स की बात करूँ तो आपको मैथ्स में फर्स्ट ईयर में टेस्ट फॉर्मेशन मिली होगी, आपको कंपैरिजन मिला होगा टू और मोर बुक्स का. तो ऐसी प्रॉब्लम है जिन्हें आप अपनी सोसाइटी में जाकर डील करने की कोशिश कर सकते हो. देन स्टेप्स हैं न्यू सिचुएशन. सबसे पहले तो क्रिएट करो सिचुएशन, आप बच्चों को दोगे क्या. देन प्रोजेक्ट का सिलेक्शन करो. उसके बाद प्लान करो कि आपको प्रोजेक्ट कैसे करना है, कि मुझे इंट्रोडक्शन डालनी है, मेन बॉडी डालनी है, कंक्लूजन कब डालना है, ऑब्जेक्टिव कैसे लिखने हैं. फिर उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करो एंड देन इवेल्युएट करो कि आपको लास्ट में क्या मिला है, आपका क्या फीडबैक रहेगा. एंड आफ्टर दैट यू हैव टू रिपोर्ट दैट और रिकॉर्ड दैट प्रोजेक्ट. देन आता है सम प्रोजेक्ट्स इन मैथ्स, जैसे एग्जीक्यूशन ऑफ स्कूल बैंक. स्कूल में बैंक कैसे काम कर रहा है, बजटिंग कैसे रहेगी, एक्टिविटी आपको कैसे करानी है, कलेक्शन ऑफ डाटा कैसे करोगे. तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो बच्चों को मिल सकते हैं. दो एग्जाम्पल मैंने आपको भी दिए हैं विच इज रिलेटेड विद योर DLED. देन है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट. सबसे पहले क्या है? साइकोलॉजिकल है, क्योंकि बच्चे अपने आप काम करके देख रहे हैं, प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व कर रहे हैं.
एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन रहेगा बच्चों का, ग्रुप इंटरेक्शन भी हो सकता है क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट हमारे इंडिविजुअल नहीं होते, ग्रुप एक्टिविटी में कराए जाते हैं, तो बच्चे टॉलरेंस सीखेंगे, मतलब जो भी सोशल स्किल है वो बच्चे अवेयर हो जाएंगे, कॉपरेशन सीखेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाएंगे अपनी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होंगे जिस चीज, जो चीजें उन्हें काम परफॉर्म करने के लिए दी गई हैं। मैंने कहा था शुरू में ही, इट इज अ होल हार्टेड बिकॉज इट विल लीड यू द ऑलराउंड डेवलपमेंट, तो बच्चे की हर एक वेरियस एस्पेक्ट को इनहांस करना है, नॉलेज जो है वो ड्यूरेबल रहेगी, मतलब कुछ ज्ञान जो है टिकाऊ हो जाएगा क्योंकि उन्होंने अपने आप से काम किया है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी ध्यान में रखा जाता है, एंड इट विल गिव यू द एटीट्यूड ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक व्यवहार आपको मिलता है क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंगली कार्य कर रहे हो, एंड कॉरिलेशन बढ़ता है नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द सब्जेक्ट। बच्चे मैथ्स के बारे में जैसे प्रोजेक्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो वो और चीजें भी साथ साथ सीख रहे हैं। लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन मेनली यही रहती हैं उन मेथड्स की जिनमें ज्यादा काम करके देखना होता है कि इट विल टेक योर द लॉट ऑफ टाइम, इट इज नॉट इकोनॉमिक इन द टर्म्स ऑफ टाइम एंड लेबर एंड मनी ऑल्सो। हर एक टॉपिक इस मेथड से नहीं कराया जाता, इस मेथड को करने के लिए आपके पास बहुत सीक्वेंशियल और सिस्टमैटिक नॉलेज होनी चाहिए, यू हैव टू ड्रिल फॉर अ सिंगल टर्म अ लॉट ऑफ टाइम, ये करना होता है आपको। प्रैक्टिकली हर एक चीजों को करा पाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है, जैसे मैंने कहा कि आपको कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन बच्चे गूगल से भी कर सकते हैं, तो प्रैक्टिकल जो है फिजिकल चीजें उसकी नहीं इनहेंस हो रही है, और इट इज नॉट रियली सूटेबल टू टीच मैथमेटिक्स बिकॉज मैथ्स इज डीलिंग द प्रॉब्लम। नेक्स्ट आती है हमारी अल्टरनेट स्ट्रेटजीज, ऐसे कुछ वैकल्पिक रणनीतियां हैं जो मैंने आपको मेथड्स बताए, भाई इंडक्टिव था, डिडक्टिव था, एनालिटिक था, सिंथेसिस था, प्रोजेक्ट, जो इनसे भी कुछ अलग एक्टिविटीज हैं जो अपने मैथ्स में हम इंक्लूड कर सकते हैं टू मेक योर मैथ्स टीचिंग वेरी इफेक्टिव। तो फर्स्ट है हमारा ड्रिल वर्क। तो ड्रिल वर्क क्या होता है? ड्रिल का मतलब होता है प्रैक्टिस करना। सो ड्रिल वर्क इज अ वर्क नोन एज वेयर यू आर परफॉर्मिंग अ सिंगल प्रॉब्लम अ लॉट ऑफ टाइम या यू आर डीलिंग विद द प्रॉब्लम विद अ डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड, जहाँ पे आप एक ही कार्य को करने के लिए या एक चीज को सॉल्व करने के लिए, लाइक मैंने आपको कहा कि आप याद करो ए प्लस बी का स्क्वेयर होता है ए स्क्वेयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर, तो आपको ये याद करना है, और इसको करने के लिए बच्चा 10 प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो उसे याद हो जाएगा, तो ये ड्रिल वर्क कहलाता है। इसके बाद आता है होमवर्क इन मैथमेटिक्स, वी आर ऑल अवेयर विद द होमवर्क, द वर्क गिवन टू द स्टूडेंट फॉर परफॉर्मिंग एट देयर होम, तो वो वर्क हमारा क्या कहलाएगा? होमवर्क कहलाएगा। होमवर्क भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखे हुए बनाना होता है बिकॉज इट इज इट शुड बी द कॉन्टेंट रिलेटेड वर्क एंड इट शुड ऑल्सो द अकॉर्डिंग टू एज एंड मेंटल लेवल एंड द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट एंड यू आर नॉट एबल टू सपोज टू गिव द लॉट ऑफ वर्क टू द स्टूडेंट, आपको इतना ही काम देना जितना बच्चा अपने घर पे जाके परफॉर्म कर सके। इसके बाद आते हैं ओरल वर्क, देयर आर सम ओरल वर्क इन द क्लासरूम, लाइक यू कैन रिसाइट द फॉर्मूलाज इन द क्लासरूम, आप अपनी कक्ष में फॉर्मूले रिसाइट करा सकते हो, एंड वी आर वेरी वेल अवेयर जब बच्चा छोटा होता है इन प्राइमरी सेक्शन तो उसे काउंटिंग्स कराई जाती है बोल बोल के, 1 2, बहुत रिदमिक कराया जाता है, काउंटिंग कराई जाती है, टेबल्स कराई जाती है, मैंने कहा फॉर्मूलाज कराए जाते हैं, तो ऐसी काफी चीजें हैं जिनके ऊपर आप ओरल वर्क करा सकते हो। नेक्स्ट हमारा रिटर्न वर्क, रिटर्न वर्क में आ जाएंगी आपकी एक्सरसाइजेस, जो मैथ्स में बैक एक्सरसाइजेस दी जाती हैं, फॉर्मूलाज, थ्योरम, प्रिंसिपल, वो रिटर्न वर्क के अंडर आएंगे, ठीक है। इसके बाद है ग्रुप वर्क, ग्रुप वर्क इट इंक्लूड द प्रोजेक्ट काइंड ऑफ एक्टिविटी, जहाँ पे आपको किसी प्रोजेक्ट को डील करना होता है वहाँ पे आपको ग्रुप्स में काम करना होता है। सेल्फ स्टडी इन मैथ्स, बिकॉज मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आप लिटरेचर पढ़ के चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो, तो आपको अपनी प्रैक्टिस और आपको अंडरस्टैंडिंग अपनी खुद की क्रिएट करनी पड़ेगी, तो सेल्फ स्टडी होना, सेल्फ स्टडी करना, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट इन, यू हैव टू बी सेल्फ रिलायंटेंस एंड कॉन्फिडेंस टू सॉल्व द मैथमेटिक्स प्रॉब्लम। देन आता है 7, सुपरवाइज स्टडी इन द मैथ्स, सुपरवाइज स्टडी का मतलब है इफ यू आर डीलिंग विद एनी प्रॉब्लम, अगर आपने प्रॉब्लम कोई करी है सॉल्व, तो ना बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं प्रॉब्लम के स्टेटमेंट लिख देते हैं, पीछे से आंसर लगा के पीछे से सॉल्यूशन लिखते हैं कि ये सॉल्यूशन आ गया हमारा, बट जब भी आप मैथ्स का काम करते हो तो आपके पास एक सुपरविजन होना चाहिए कि आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया है, इट इज द करेक्ट वे और नॉट। तो सुपरवाइज स्टडी का मतलब है योर टीचर, योर गाइडर, योर मेंटर और योर एल्डर वन विच इज एक्सपर्ट इन मैथ्स कैन बी योर सुपरवाइज, कैन डू द सुपरविजन। नेक्स्ट है रिव्यू इन मैथमेटिक्स, रिव्यू इन मैथमेटिक्स का मतलब है लाइक अगर आपने कोई भी चैप्टर कर लिया है, जैसे मैंने कहा एलजेब्रा आपने कर लिया है, ठीक है, एलजेब्रा आपने कर लिया है, तो एलजेब्रा में आप कौन सी चीजें ध्यान रखोगे कि मुझे पता है कौन से फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, कब मुझे कॉन्सोनेंट यूज करने हैं, कब मुझे वेरिएबल्स यूज करने हैं, आफ्टर परफॉर्मिंग एनी टॉपिक और एनी प्रॉब्लम आपको रिव्यू करना है, जैसे हम प्रूफ देते हैं ना, अपना फीडबैक दे रहे होते हैं, वैसे ही हमें मैथ्स में रिव्यू करना होता है।
Then assignments in maths is related with the homework or classwork given to student या assigned to student to solve or to enhance their learning abilities. Then आता है brainstorming. हमें ना जैसे बचपन में या अभी भी बहुत सारे परफॉर्म करते होंगे सुडोकू. न्यूज़पेपर में आते हैं कॉलम्स बने होते हैं 1, 2, 9, 1, 2, 9 और आपको ऐसे तीन कॉलम भी बने होते हैं. उसमें आपको जो काउंटिंग्स हैं वो पुट करनी होती हैं कि वो मैच ना करें ऐसे ऐसे और ऐसे भी पूरे बॉक्स के अंडर. तो ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रॉब्लम वो हैं जो आपकी क्लासरूम से हटके हों, मतलब आपके एकेडमिक सेशन के अंडर ना हो या आपके अंडर हो, तो आपको ऐसी ब्रेनस्टॉर्मिंग चीजें दी जाएं जिससे आपका मेंटल पावर जो है डेवलपमेंट हो. सो इट इज ऑल अबाउट 3.4. यहाँ पे आपने कौन कौन से मेथड पढ़े, इंडक्टिव पढ़ा, डिडक्टिव पढ़ा, एनालिसिस पढ़ा, इंडक्टिव एग्जांपल टू रूल, डिडक्टिव रूल टू एग्जांपल, एनालिटिक वी हैव टू बाइफर्केट द थिंग्स इनटू द पार्ट्स, सिंथेसिस आपके पास पार्ट्स गिवन है आप उसे एक में कलेक्ट कर रहे हो. इसके बाद प्रोजेक्ट दिया था, प्रोजेक्ट जिसके अंदर आपको कोई सिचुएशन मिलती है और उस सिचुएशन से आपको डील करना होता है. एंड आफ्टर दैट हमने ड्रिल वर्क किया है, ब्रेनस्टॉर्मिंग की है, क्रिएटिविटी की है, होमवर्क किया है, असाइनमेंट किया है. इनके बारे में आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि इनको आप क्या कहते हैं और कैसे परफॉर्म कराते हैं. सो इट इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक. कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग माय डियर स्टूडेंट. बाय बाय.